डियर स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स के इनवर्स का कंसेप्ट पढ़ा कि मैट्रिक्स का इनवर्स एक्चुअली क्या होता है, कि जब हम एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे की इनवर्स होती हैं। इनवर्स निकालने के हमारे पास वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन थर्ड चैप्टर के अंदर हम एक तरीका पढ़ेंगे कि फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाई यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम उसके रोज और कॉलम्स को कुछ ऐसे ऑपरेशंस के माध्यम से उलट पलट करेंगे कि जिससे उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता हो। ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले या इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले हम उन ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या है और कैसे किए जाते हैं। देखिए, बेसिकली तीन प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। पहला है इंटरचेंजिंग टू रोज और कॉलम्स। हम किसी मैट्रिक्स की दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसको इंटरचेंजिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स दी हुई है, मैं चाहता हूं कि मैं इसकी पहली रो और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दूं, तो इंटरचेंज करने पर क्या होगा कि पहली रो दूसरे की जगह और दूसरी रो पहली की जगह आ जाएगी। मींस पहली रो जो है वो 3-1 और 2 बन जाएगी, दूसरी रो जो है वो 1, 2 और 5 बन जाएगी, तीसरी रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अगर मैं ये चेंज इसके अंदर करता हूं तो इस चेंज को बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज। और यही चीज हम कॉलम्स के साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप दूसरे और तीसरे कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहला कॉलम एज इट इज रखेंगे, दूसरा कॉलम ये बन जाएगा और तीसरा कॉलम जो है वो 2-1 0 बन जाएगा। ये चीज जो है इंटरचेंजिंग कहलाती है। और इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे यहां पर मैंने पहली रो और दूसरी रो को इंटरचेंज किया है तो मैं इस ऑपरेशन को लिखूंगा कि R1 और R2 इंटरचेंज किए हैं। इंटरचेंजिंग के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम, डबल साइडेड एरो, दोनों साइड एरो का निशान, तीर का निशान हम लगा देंगे। इसका अर्थ है कि R1 तो R2 बन गया और R2 R1 बन गया। इस प्रकार से हम रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। जरूरत कहां पड़ेगी इस चीज की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि जब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, जो इनवर्स निकालने की प्रक्रिया होगी उसमें इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार एक दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वो है मल्टीप्लाइंग ए रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। हम किसी रो या किसी एक कॉलम को अगर चाहें तो किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं, चाहेंगे कब, वही बात कि जब हम इनवर्स निकालेंगे तो उस समय हमें इस प्रकार के ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि पहले कॉलम को मैं दुगुना कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या तीसरी रो को मैं 4 से गुना कर दूं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। मान लीजिए मैं पहले कॉलम को 2 से गुना करना चाह रहा हूं तो क्या होगा, 1 को 2 से गुना किया, 3 को 2 से गुना किया और 7 को 2 से गुना किया, ये हो गया। बाकी दोनों कॉलम्स में एज इट इज सेम के सेम रख लूंगा। अब यहां क्या हुआ, मैट्रिक्स की शक्ल चेंज हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। क्या किया हमने, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, मींस पहले कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, C1 को चेंज करके 2C1 कर दिया। इसी प्रकार से आप रोज के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस रो को मैं 3 गुना कर दूं तो आप क्या करेंगे, यहां पर 21 0 9 आ जाएगा और आप इसको क्या लिख देंगे कि R3 ऑपरेटेड एज 3R3, उसको हमने 3 गुना कर दिया। बात करते हैं हम तीसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन की, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एडिंग स्केलर मल्टीपल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो और कॉलम। एक रो में किसी दूसरी रो का या एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का कोई स्केलर मल्टीपल जोड़ देना, या घटा भी सकते हैं कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में किसी दूसरी रो का या दूसरे कॉलम का एक स्केलर मल्टीपल यानी कुछ गुना जोड़ दिया जाए या फिर घटा दिया जाए। जैसे मैं यहां चाह रहा हूं कि ये जो 2 है इसकी जगह कैसे ना कैसे करके 0 लाना चाह रहा हूं मैं, सपोज, तो मैं क्या करूंगा, इसके ठीक नीचे मुझे -1 दिख रहा है और मुझे पता है कि इसमें इसका दुगुना करके जोड़ दें, इस 2 में इस -1 का दुगुना जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा।
अगर मैं ये चीज करना चाहूं तो इसमें इसका दुगना मींस इस पूरी रो में इस पूरी रो का दुगना जोड़ दूंगा, उससे क्या होगा, इस एलिमेंट में इसका दुगना जोड़ा एक और तीन दुनी छह जुड़ा सात हो गया, दो में माइनस दो जुड़ा जीरो हो गया, पांच में दो का दुगना चार जुड़ा नौ हो गया, बाकी एलिमेंट्स को ऐसे का ऐसे रख दूंगा मैं। तो जहां हम करना चाहे वहां एक रो में किसी दूसरी रो का कुछ गुना जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं, या किसी एक कॉलम में किसी दूसरे कॉलम का कुछ गुना जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब ये जो मैंने ऑपरेशन किया इसको क्या लिखेंगे हम, हमने पहली रो में कुछ चेंज किया है तो हम लिखेंगे R1 changed as या R1 operated as। R1 को कैसे ऑपरेट किया हमने, R1 में R2 का दुगना जोड़ा means R1 में दो R2 जोड़ दिया। तो ये तीन प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। इन एलिमेंट्री ऑपरेशंस की आपको जरूरत पड़ेगी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में। एक्सरसाइज 3.4 जब आप करेंगे तो उसके सभी क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वहां आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये ऑपरेशंस किस प्रकार से किए जाते हैं और इन ऑपरेशंस की हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए।